मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर। उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से दो हो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के लिए है, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं। सूर्य पूजा वो आज है क्या? मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित सूर्य पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि तुम थोड़ा सा चढ़ावा दो भूखे गोपालों को दे दोगी। चाहो तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है, क्योंकि सूर्य पूजा बाल गोपिकाओं के लिए होती है, पुरोहित जी को बाल गोपालों को थोड़ा सा चढ़ावा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुँचाऊँगा। वैसे पुरोहित कौन है? वो तो तुम्हें चंद्रिका और प्रभावती मैया ही बता सकती हैं। वो ही पुरोहित देखने गई हैं। तुम इन्हें जाने दे रहे हो कृष्णा? हमें एक भी मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते हैं? पूरी की पूरी? मैं भी आ रहा हूँ। बेचारी लड़कियों ने सूर्य पूजा की बड़ी तैयारी की है प्रभावती, यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगी। चंद्रिका देखो पुरोहित। दो दो। सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। तुम्हें विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पे गुस्सा नहीं होंगे? कृष्णा हम एक पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। वाह अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणों और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्याएं? ओ नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विश्वजी? बिल्कुल, और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। सूर्य पूजा, तब बात अलग है। तो क्या कहते हो शिष्य? अलग है? हाँ अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए सारे चढ़ावे के साथ, हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा ललिता और विशाखा को भी दे दें। गोपिकाओं, ये हैं ब्राह्मण विश्व शर्मा मथुरा से और ये उनके शिष्य, यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करें, इतना निकट नहीं। चढ़ावों को पास में रखा जाए। स्वस्ति ऋचम शास्वात्
स्वस्ति ऋचम शाश्वत, स्वस्ति ऋचम शाश्वत, स्वस्ति ऋचम शाश्वत। मंत्रे नाने ना पद्यादीन मित्रायत्व समर्पया, ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा। आपका धन्यवाद ब्राह्मण देवता, हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए अपनी दक्षिणा स्वरूप ये मोती लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी, हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है? अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे। और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं के लिए ये पूजन हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगली बार हम कहेंगे कि वो प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दे।